हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं SSCGL 2018 के जो हमारे एग्जाम हुए हैं उनके ऑफिशियल एग्जाम से हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं। उन क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है कर रहे हैं। और फ्रेंड देखिए, बता दूं मैं आपको ऑलरेडी हम क्वेश्चंस को किस तरीके से कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और एक बार और बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चंस के टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस के टॉपिक हम जो है इसके कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक मींस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि नंदा देवी हमें क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो नंदा देवी जो है चोटी आपसे पूछा है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड की थोड़ी सी डिटेल निकाल ली। ठीक है, जो हिमालय, देखिए चोटियाँ कहाँ होती हैं, हिमालय से होती हैं। ठीक है, हिमालय के हमने कुछ भाग पढ़ लिए। ठीक है, हिमालय में कौन कौन से भाग हैं, ठीक है, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए। इस प्रकार से टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस का जो है एक टॉपिक हो, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखिए, अगर आप यहाँ पर एक एक चीज़ करते थे कि मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हो स्टडी में, ठीक है, आपको मैथ का पता है कि मैथ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको आपको पता है उसमें कौन कौन से जो है चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड बहुत सारी मिसलेनियस ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आप जब पढ़ने बैठोगे तो आप कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाओगे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जब लगाओगे तो फ्रेंड बहुत सारे टॉपिक आपके एकदम से क्लियर होते चले आएंगे, लाइन से लाइन बाय लाइन। मिसलेनियस जरूर लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स जब आप टॉपिक उठाकर चलोगे इस प्रकार से तो फ्रेंड मॉक टेस्ट आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगी, प्लस आपको टॉपिक भी मिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ इस जो है इस तरीके से हम जो है वीडियोज़ को कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप फिर भी अगर आप एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं या फिर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो रात के 10 बजे डेली रात 10 बजे जो है वीडियो हमारी होती है, लाइव वीडियो होती है, जो कि आपको ये दिख रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, करंट अफेयर भी होता है उसमें, कर बहुत सारे क्वेश्चन हम उसमें लेते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और वीडियो में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जनरल अवेयरनेस का। यहाँ से नंदा देवी चोटी आपसे पूछी गई है, तो ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में, देखिए ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कहाँ पर है, किस जिले में है, तो ये गढ़वाल जिले में आता है। कहाँ पर आता है, गढ़वाल जिले में आता है। और कहाँ पड़ता है, हिमालय के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, अगर आपसे पूछी जाए इसकी जो प्रमुख जो जो चोटियाँ हैं, अगर उत्तराखंड की प्रमुख चोटियाँ आपसे पूछ ली जाए कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर बंदरपूछ है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, चौखंबा है, ठीक है, कामबेट है, नंदा देवी है, दूनगिरी है, त्रिशूल है, नंदाकोट है, पंचाचुली है, और यहाँ पर कुटी शंग टांग है। तो इनका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और काफ़ी सारे जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चंस को कंप्लीट। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमालय से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, इनमें से कौन सी है, तो ये सारी नदी लिखें जो कि हिमालय से उद्गम होती हैं। ठीक है, जिनका जो है जो है उद्गम होता है, उद्गम स्थान जो होता है हिमालय है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी भी ग्लेशियर से जो है हिमालय से आती हैं, और जितनी भी हिमालय से, देखिए हिमालय से आने वाली जो नदियाँ हैं वो कैसी रहती हैं, बारहमासी रहती हैं। बारहमासी मतलब वो ग्लेशियर से आती हैं। ठीक है, कैसी आती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन सी नदी हैं, यहाँ पर सबसे पहली नदी है गंगा, ठीक है, सरस्वती, चंद्रभामा, ठीक है, यानी कि जिसको चिनाब बोलते हैं, यमुना है हमारी, सतलज है, ठीक है, झीलम है, रावी है, ओके। इसके बाद यहाँ पर आप गोमती पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके, ब्यास भी आप पढ़ सकते हैं, सरयू भी यहाँ पर पढ़िएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है, लोहित नदी भी बोलते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पर ये पढ़िएगा, कोशी भी पढ़ना, गंडक भी पढ़ना। तो जितने मैंने लगाए हैं उनको पढ़ना है, और मैंने अगर आपको इन टॉपिक्स पे आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मिथुन नामक पशु जो है वो किस राज्य में पाया जाती है। तो फ्रेंड ये जो है एक गाय का जो है एक नस्ल है फ्रेंड्स, जो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और अरुणाचल प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मिथुन गाय को और मिथुन यानी मिथुन नस्ल को और क्या क्या कहा जाता है, गयाल भी कहा जाता है, और जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं भारत में, गौर या बिशौन, ठीक है, बिशौन का वंशज जो है इसको माना जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश की एक, देखिए
ध्यान सुनिए, अरुणाचल प्रदेश में जो है एक गोला एवं आदि जनजाति है, उनकी जो सम इन इनकी जो है इन जो वो जो यहाँ पर जनजाति हैं वो इसको महत्वपूर्ण पशु मानती हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? पूर्व उत्तर भारत में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, चीन में और ये यूनान में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और भारत की पूछें तो यहाँ पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए मैंने आपको कल ही बताया था कि ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, कड़कनाथ, कड़कनाथ जो है मुर्गा है, और कड़कनाथ मुर्गा जो है इसको जीआई टैग मिला है, किस कहाँ किस चीज़ के लिए मिला है? ये ब्लैक मुर्गा है, ब्लैक, ठीक है, बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है, काला मुर्गा है, और झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले को जीआई टैग दिया गया है। हालांकि आपसे पूछ लिया जाए कि झाबुआ के अलावा जो है कहाँ और किस प्रदेश में जो है कड़कनाथ मुर्गा पाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, सीजी में भी पाया जाता है, एमपी और सीजी, ठीक है, दोनों में पाया जाता है, एमपी के झाबुआ में और मध्य प्रदेश में और सीजी में भी ये पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका निधन हो चुका है 2017 में, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए लीला सेठ हैं, लीला सेठ जो हैं 20 अक्टूबर 1930 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 5 मई 2017 को, ठीक है, भारत की पहली न्याय जो है न्यायाधीश बनी महिला बनने वाली न्यायाधीश बनने वाली महिला है, ओके, और पहली दिल्ली की पहली दिल्ली जो है दिल्ली के दिल्ली उच्च न्यायालय की भी ये महा महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है, ओके ओके चलिए इनके बारे में जो पुस्तक है उनके बारे में बता दें कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं बोलूँगा, इनकी जो है जीवनी की बात करूँगा, तो ऑन बैलेंस इनके नाम से एक जो है जीवनी है जो कि 2003 में आई थी, उसके बाद 2010 में आई वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडियन, ठीक है, इन्होंने जो है लिखी है जो कि संविधान, भारतीय संविधान के ऊपर है, उसकी उद्देशिका को समझाया गया इन्होंने। फिर 2014 में उन्होंने लिखी टॉकिंग ऑफ जस्टिस पीपल राइट्स इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, 2014 में। तो ये तीनों बुक हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, लीला सेठ के बारे में एक क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र भारत के लोगों के लिए अधिकतम संख्या से नियोजित करता है? अधिक संख्या से नियोजित करता है मतलब कहने का है वो जीवन यापन कौन सा है जो हम आश्रित हैं, तो हम कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं, हमारा देश कृषि प्रधान है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कृषि आना चाहिए था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1978 में संशोधन कौन सा वाला संशोधन है जो कि संपत्ति को खरीदने, रखने, बेचने और अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है समाप्त कर दिया गया? तो ये अनुच्छेद नंबर संशोधन था वो 42वां संशोधन था, अनुच्छेद मतलब उसको संशोधन किया गया 352 में, ठीक है, ये था क्या? ये था संविधान जो है संपत्ति के अधिकार को, जिसके कारण संविधान में जो है बहुत सारे जो है जो अलग अलग चेंजेस किए गए, ठीक है, इसके बारे में देखिए बता दें तो मैं भारत के, देखिए भारतीय इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत सारे पूछ सकता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए पूछ लिया जाए कि अभी जो फिलहाल में आर्टिकल हैं वो कितने आर्टिकल हैं हमारे पास, तो 448 हैं, भाग कितने हैं? 25 भाग हैं, अनुसूची कितनी है? 12 हैं, ठीक है। फिलहाल में जो है अभी कौन सा अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल संशोधन कौन सा किया गया? संशोधन नंबर 3 है। नंबर 3 वाला संशोधन कौन सा है? वो है कौन सा? 10% आरक्षण वाला, ठीक है, ओके। और आपसे यही पूछ सकता है कि जो अमेंडमेंट हुआ मतलब जो जो है लोकसभा में जो प्रस्ताव आता है वो कौन से नंबर का था? वो 124वें नंबर का था, ठीक है, जो कि प्रस्तावित हुआ और इसको पारित होने के बाद जो है 103वां नंबर में संशोधन हुआ, ठीक है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि जो है कि जो आपका जो संविधान है वो देखिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्होंने पेशकश की थी इसकी, देखिए और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 124 जो है विधेयक मैंने बता दी हैं, 103 जो है संशोधन हो चुके हैं, और जो है बना है कितने साल में बना? भाई 2 साल में 11 महीने 18 दिन में ये बनाया गया, ठीक है, ओके, इसके बारे में ये बता दिया हमने। और इसके बारे में यहाँ पर देखिए अब ये जो है हमारा जो संशोधन था, ठीक है, 42वां संशोधन था, उसके बारे में देखिए नीचे क्या लिखा, इस अधिनियम के मैं उच्च वर्ग के गरीब जो लोग हैं सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में 103 वाले की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 103 वाला अधिनियम की बात हो रही है, तो इसमें जो है आपको 10% का आरक्षण जो है प्रावधान होगा, और 124 संविधान संशोधन था, और यहाँ पर 9 जनवरी 2019 को ये संशोधन जो है विधेयक जो है पास हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या है, विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल राजवंश राजपाल राजा के द्वारा की गई? तो धर्मपाल के द्वारा की गई, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन धर्मपाल के बारे में बता दो, देखिए जो पाल वंश है वो 8वीं सदी का बताया जाता है, शताब्दी का बताया जाता है, जो कि बिहार प्रांत में राज किया, जिसने विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय की स्थापना करी है, ठीक है, जो कि नालंदा का समकक्ष माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बौद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और धर्मशाल जो है वंश जो है 770 से लेकर 810 ईस्वी के मैं बताया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी पर बगलिहार बांध है? तो आंसर है चिनाब। अब चिनाब कहाँ पर है? ये है जेएनके में, कहाँ पर है? जेएनके में है, ठीक है, तो जेएनके में ये चिनाब है, ठीक है। अब आपको बगलिहार बांध जो है, बगलिहार बांध या बगलिहार घाटी जो है भारत की जो नदी घाटी परियोजना है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, दूसरी विद्युत सबसे बड़ी विद्युत परियोजना, जो कि डोडा क्षेत्र, कहाँ पर? डोडा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर बहती हुई जो नदी है चिनाब, उस पर बनाया गया है। अब आपको जेएनके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले हम इसके बारे में बात करें। ओके, जो नदी है चंद्र जो है नदी है, यानी कि जो आपका ये चिनाब जो नदी है वो चंद्रा और भामा नामक दो नदियों से मिलकर बनी हुई, यानी कि जो सहायक नदियाँ हैं, इसका उद्गम जो होता है लाल जो है स्थान जो है लाहौल में बारालाचा दर्रे से दर्रे के विपरीत दिशा में 4900 मीटर की ऊंचाई पर होता है, ठीक है। यह नदी जो है भारत और पाकिस्तान के दोनों में बहती है और भारत में इसकी लंबाई 11880 है, ठीक है। और यह नदी जो है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? रावी है, चंद्रा है, भामा है, ठीक है, ये तीन नदियां हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर चंद्रा चंद्रा भी कर लीजिएगा, चंद्रा भामा तो हो ही गई, रावी भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हैं, अब आपसे जेएनके में क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 370 हटा है, आपको पता है आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है जेएनके जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख भी जो है वहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और लद्दाख में जो लेह है वो भारत का सबसे बड़ा ज़िला बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें आती हैं। और जेएनके में जो है अब आपको बताना है, अब आपको उपराज्यपाल कौन है, मैं ऑलरेडी प्रीवियसली बता चुका हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने इस बारे में दी है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है, और जो सारी चीज़ें जो है मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताई थी। आगे इसके बारे में देखिए, इस नदी पर जो बने बांध जो है सलाल और दुलहस्ती बांध हैं, ठीक है। और यह देखिए, यह नदी जो है त्रिमू के निकट जो है झेलम नदी में जो है गिर जाती है, वहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। चिनाब नदी पर जो है एक रेल पुल बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा है और सबसे ऊँचे, ठीक है, दुनिया का जो है दुनिया का सबसे ऊँचे पुलों में इसको गिना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने 21 मार्च 2019 को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है के रूप में मनाया था। इसका थीम क्या था? इसका थीम था किसी को पीछे ना छोड़े, लीव नो वन बिहाइंड। ओके, ये तो सबमिट करी गई थी, इसको जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी, सिंड्रोम के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको किया गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से किस समय अवधि को जाना जाता है? किस समय अवधि को जाना जाता है? किसकी? दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखिए 1126 से स्टार्ट हुई और 1526 में ये सॉरी 1106 में जो स्टार्ट हुई और 1526 में ये खत्म हुई, ठीक है। ये जो है इस काल को जो है वैधता दी गई है, ये काल बताया जाता है दिल्ली सल्तनत का स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो पांच यहाँ पर जो है मुस्लिम साम्राज्य और राजवंश जो है यहाँ पर रहे, जिन्होंने जो है 1206 से लेकर 1526 तक ईस्वी तक जो है दिल्ली पर राज किया या शासन किया। 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासकों को मुगल ने पराजित किया, जिन्होंने भारत के में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कौन कौन से शासक हैं इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आया मामलुक वंश, कौन सा आया सबसे पहले? मामलुक वंश आया, पांच जहाँ पर वंश राजवंश रहे, ठीक है, पहले मामलुक वंश आया और लास्ट वाला आपको लोधी वंश। यही आपसे पूछा जाता है कई बार कि भाई दिल्ली का जो राजवंश रहा वो लास्ट वाला कौन सा रहा, जो है लोधी वंश रहा, पहला था मामलुक वंश, फिर खिलजी वंश रहा, फिर तुगलक रहा, फिर सैयद रहा, ठीक है। अब अगर बात करें ये वाला मामलुक वंश की, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मामलुक वंश का पहला शासक था, जिन्होंने जो है 10
राजवंश भी जो है कहा जाता है, क्या कहा था, दास राजवंश यानी स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था, क्या कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता था। एक तो है देखिए, वह एक उदार शासक थे और 4 वर्षों तक जो है इन्होंने क्या किया, शासन किया, मतलब यहाँ पर जो है कितना जाएगा, 1210, ठीक है, तो ये इन्होंने जैसे 1210 तक जो है शासन किया है। आगे इनके बारे में बात करें, खिलजी के बारे में, खिलजी राजवंश रहा 1290 से लेकर 1320 तक। तो 1320 में देखिए इनके खिलजी वंश में कौन कौन शासक यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जलालुद्दीन के बारे में कई बार पूछा जाता है, और देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश में, तुगलक वंश रहा 1330 से लेकर 1414 तक, ठीक है। तो तुगलक वंश का पहला शासक कौन था, गियास उद्दीन तुगलक जिसे गाजी मलिक के नाम से जानते हैं। गाजी मलिक, एक बार क्वेश्चन आया था गाजी मलिक किसे कहते हैं, तुगलक राजवंश का जो पहला शासक था गियास उद्दीन, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे, सैयद राजवंश देखिए 1414 से लेकर 1451 तक मात्र रहा, ठीक है। और खर्ज ने जो है, देखिए जो पहला शासक रहता है या तो उसने जो है इसकी स्थापना करी होती है या फिर इसका प्रवर्तक होता है, ठीक है, इस जो है इस शासन का, तो खर्ज खान, ठीक है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ठीक है, ये सैयद राजवंश है, इम्पॉर्टेंट है। आगे अफगान यानी कि लोदी राजवंश की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी, ठीक है, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट 1451 से लेकर 1526 तक। देखिए इब्राहिम लोदी के चाचा जो है मैं से एक दौलत खान लोदी जो है दौलत खान जो है काबुल चले गए थे और बाबर से जो है इन्होंने हाथ मिला लिया, भारत पर जो है इसमें हमला करने के लिए इन्होंने कहा, और दौलत खान लोदी जो है की सलाह पर बाबर ने जो है उत्तरी भारत पर हमला किया और इस प्रकार जो है जो लोदी वंश है उसका खात्मा हो गया। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमें पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना है, एग्जाम में इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, आगे बढ़ेंगे, ओके। रजत रागनी करके एक पुस्तक है, ठीक है, ये पुस्तक जो है क्या, इस कौन है इसके लेखक आपको बताने, तो इसके लेखक है कल्याण, कौन है कल्याण। अब मैं जो आपको बुक्स एंड ऑथर बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी, महाकवि कालिदास ने। एन यू लाइफ इट ये किसने लिखी, विलियम शेक्सपियर ने। गीतांजलि किसने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आनंद मठ किसने लिखी, बंकिम चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी, कार्ल मार्क्स ने, ओके। काफ जो है किसने लिखी, एडोल्फ हिटलर ने, ये याद रखिएगा, फेमस बुक हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में देखिए, गांधी एंड स्टालिन किसने लिखी, लुइस फीसर ने, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, यहाँ पर लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है, विथ ट्रुथ किसने लिखी, महात्मा गांधी ने लिखी। प्रिंस किसने लिखी, मैकियावेली ने, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी। रिपब्लिक ये लिखी है प्लूटो ने, ठीक है, किसने लिखी, प्लूटो ने लिखी, ठीक है। उसके बाद लिखी अमृत और विष किसने लिखी, अमृत लाल नागर ने, ठीक है। अन टू दी लास्ट है, तो ये है जॉन रिक्सन ने लिखी है। आधे अधूरे किसने लिखी है भाई, मोहन राकेश ने लिखी है। इंडियन डिवाइडेड किसने लिखी, राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस में से एक जो मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो है 2019 के बता देता हूँ, 2019 की कुछ बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है। माई लाइफ माई मिशन जो है किसकी, जो है बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है, तो भैया योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा ये रिटर्न लिखी गई है, ओके। सेलेस्टियल बॉडी जो है किसके लिए की गई है, ओमान के एक ऑथर हैं जिनका नाम है जोखा आर्थर, इनको जो है बुकर प्राइज भी से सम्मानित किया। वी आर डिस्प्लेस्ड किसने लिखी है, मलाला यूसुफ़ाई कौन है जानते होंगे आप, ठीक है, ओके। इनके बारे में आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, मलाला यूसुफ़ाई के बारे में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता, और प्लस साथ साथ में कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए माय सडिस्टियर्स हार्ट जो है अरुंधति रॉय ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद द अलजेब्रा ऑफ इन इन्फिनिटी जस्टिस जो भी लिखी जो जो कि लिखी है अरुंधति रॉय ने, ओके।
चेंजिंग इंडिया, ये लिखिए मनमोहन सिंह ने, ओके, द फायर बॉर्न ब्लू आ हिस्ट्री आ वुमेन्स क्रिकेट इंडिया, किसने लिखी है, करुणा केशव और सिद्धांता, ठीक है, पाठक ने ये लिखी है। और बाकी जितनी मैंने बताई है इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, आप अनुपम खेर के बारे में सब जानते हैं। तो लेसन लाइफ टफ मी अनोइंगली जो है ऑटोबायोग्राफी है किसके, अनुपम खेर जी की। ओके, अब ये जो है बुक्स में बताने वाला हूँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई भी हैं, एग्जाम बोरे आ चुकी है, देख सकते हैं मोदी जी की बुक है, जो ज्योति पुंज, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई, फिर जो कि सामाजिक समरसता भी इनके द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है, इनके बारे जो है कन्वीनियंट एक्शन जो है इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है, कन्वीनियंट एक्शन गवर्नमेंट एक्शन जो है जो लिखा गया, ठीक है, अ जर्नी, ठीक है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई, इंडियाज सिंगापुर, ठीक है, ये भी इनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में डिफेंडिंग चैंपियनशिप जो है 84 वाली जो रणजी ट्रॉफी है किसने खिताब जीता, तो ये जीता है विदर्भ ने, ठीक है। तो सही कि यहाँ पर बता दूं कि विदर्भ में दो बार जीता है, 2018-19 में जीता है, ठीक है, 17 और 18 में जीता है, ठीक है। उससे पहले इनते की यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, जब जीता है और हारा किसने, दिल्ली ने हारा, जीता भी विदर्भ ने है और हारा भी दिल्ली ने है, यहाँ पर बहुत सिंपल चीज़ है। अगर बात करें ये कब स्टार्ट हुआ, तो 3435 में हुआ, पहला मैच जीता था कौन ने, बम्बई ने, और हारा कौन था, यूपी हारा था, ठीक है। ओके, चलिए आगे, जब सरकार का कुल राजस्व जो है, यानी कि जो उधार से प्राप्त धन को छोड़कर अगर बात करें तो उससे अधिक हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, राजकोष कहा जाता है, क्या बन जाता है भाई, वो हमारा राजकोष बन जाता है। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन है वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया, तो यह किया हवा महल का, किसका किया, हवा महल का किया, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ों का आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे जैसे तो मान लीजिए यूनेस्को द्वारा संरक्षित बहुत सारे लिस्ट हैं हमारे पास, लेकिन मैं एक मेहरानगढ़ के बारे में बता रहा हूँ जो कि कहाँ, राजस्थान में है, राजस्थान है मतलब जोधपुर शहर में, ये है, ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और सबसे बड़ा किला है, और ये है किला जो है काफ़ी ऊंचाई पर बना है, ठीक है, और ये जो है इसे राव योद्धा के नाम से ही बनवाया गया था, ठीक है। ओके, इनके बारे में, इसके बारे में देखिए, आगरा के बारे में बात कर लीजिए, ठीक है, आगरा में देखिए क्या क्या है, मोती मस्जिद है, दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, मुस्सम बुर्ज है, और जहांगीर पैलेस है, ठीक है, जो है इसमें पाए जाते हैं, ये आपको नहीं पता होगा लेकिन आपसे कभी कभी पूछ लिया था। तो अकबर ने इसे बनवाया था 1573 बनाना, इसको निर्माण करना चालू किया था, ठीक है। ओके, बाकी पता है कहाँ पर है भाई, ठीक है, सभी को पता है कहाँ पर है, आगरा में है, यूपी में है, जो कि यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। अगर आपको बात करें यूनेस्को द्वारा संरक्षित, तो एलोरा की गुफा है जो कि यूनेस्को ने संरक्षित की थी 1983 में, कहाँ पर की है, महाराष्ट्र में, बाकी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, अजंता की गुफाएँ और एलोरा की गुफाएँ, ये भी महाराष्ट्र में, ये भी उसी साल में दोनों को एक साथ किया गया, ठीक है। ओके, आगरा का किला सभी को पता है 1983 में किया, ये यूपी में है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये किया सूर्य जो मंदिर है, सूर्य मंदिर जो कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, जो कि यहाँ पर देखिए 1984 में किया गया। महाबलीपुरम जो स्मारक है वो भी 84 में किया गया, तमिलनाडु में, जो कि है। ओके, यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कि जो 1985 में किया, ये कहाँ पर, असम में है। बाकी यहाँ पर जितने भी चीज़ें लिखी हैं उनको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगरा में जो है जमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने कराया, शाहजहां ने कराया, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले ही। अगला क्वेश्चन देखिए, नए जो है फिनलैंड जो हेली सिंह में आयोजित 38वीं मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है, किसने, थे मोहम्मद हुशासमुद्दीन ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पर क्वेश्चन हम फंस जाते हैं, कई स्टूडेंट यहाँ पर आके फंस जाते हैं कि आपसे पूछा है लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए गंगा जो है 2525 किलोमीटर की है, ठीक है, कितनी है, 2525 किलोमीटर की है। आपको ऑप्शन गंगा भी दिया है, आपको ऑप्शन ब्रह्मपुत्र दिया है, ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो 2900 किलोमीटर की है, जो कि उसकी ऑल ओवर लंबाई है, अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में गिनने से पहले, या फिर पूरा उसकी लेंथ बात करें जितनी भी आती है, जो कि असम से पहले जो कि वहाँ से आती है। तो ये जो है देखिए, ये 2525 है, ये 2900 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपको ये लगानी होगी, क्या आपको लगानी होगी, ये
कौन सी, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आंसर आएगा। यहाँ पर कौन सी लगाएंगे आप, ब्रह्मपुत्र लगाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अगर लंबाई की, तो ऑब्वियसली अगर आपसे पूछ लिया कि मेनली अगर भारत की, मतलब जो कि सिर्फ से भारत बहती है, भारत में बहती है, आपको ऐसा अगर पूछा जाए तो वो कौन सी आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी। अगर हम भारत में एक नदी द्वारा जो है कवर की गई दूरी की बात करें, तो गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और भारतीय उपमहाद्वीप की दो प्रमुख नदियाँ हैं, या कहें तीन नदियाँ हैं प्रमुख, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और कौन सी, गंगा, ठीक है। ओके, तो इनका जो है काफ़ी जो है चर्चा में रहती हैं, लेकिन भारत में इन दो नदी, दोनों नदियों की दूरी जो है गंगा की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गंगा जो है, इस गंगा जो है छोटी है, लेकिन हमारी भारत में ही बहती है, इसलिए इसको बहुत बड़ी नदी मानते हैं। 2525 किलोमीटर की है। उत्तराखंड में देखिए इसका जो भाग है 110 किलोमीटर का है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर का, बिहार में 445 किलोमीटर का, पश्चिम बंगाल में 510, ठीक है। और क्षेत्र जो है ये जो है बंगाल खाड़ी में जो है मिल जाती है, ठीक है। गंगा घाटी जो है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो है इसमें शामिल होता है। गंगा का एक इम्पॉर्टेंट एक और तत्व है, देखिए गंगा में एक सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए जब जो बंगाल में जाती है, देखिए पश्चिम बंगाल में जाती है, तो ये क्या जाएगा, ये जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। और यहाँ पर मैनग्रोव नाम के जो है क्या मिलते हैं, वृक्ष मिलते हैं या वन मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब इसके बारे में पूरी चीज़ें लिखी हैं। अब देखिए और बताऊँ मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलती है, और इसका उद्गम जो है मानसरोवर के निकट चेमायुंग डुंग नामक जो है हिमनद जो है वहाँ से होता है। उसकी लंबाई जो है अगर बात करें हमारे यहाँ तक की, तो 2700 किलोमीटर है, और इसका नाम जो है तिब्बत में सांपुर रहता है, अरुणाचल प्रदेश में हिंड रहता है, और असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो सबसे पहली बात देखिए, जब जो आती है नदी यहाँ से, देखिए जब जो नदी आती है इस प्रकार से, ये क्या है यहाँ पर एक क्या है, यहाँ से जब एंटर करती है, ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है क्या, यहाँ पर नामचा बारवा पड़ता है, क्या पड़ता है, नामचा बारवा। जब नामचा बारवा से पड़ती है, तो ये जो एंटर करती है पहले कहाँ, असम में एंटर करती है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जी रैंप घाटी में चलती, कैसी करती, रैंप घाटी में चलती, रैंप घाटी में चलते चलते पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा, ओके, उसके बाद जो है ये गंगा मिल जाती है और ये नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज थी, देखिए इसकी अगर बात करें कौन कौन सी जो है नदियाँ जो हैं इस पर, देखिए किसकी शाखा है, तो सुवर्णश्री है, तीस्ता है, तोर्स है, लोहित है, बराक है, ठीक है, आदि जो है इसकी उपनदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के किनारे जो स्थित जिस शहर को प्रमुख शहरों में डिब्रूगढ़ है, तेजपुर है और गुवाहाटी है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई उद्गम से लेकर आप अभी तक अगर आप बात करें, ठीक है, जो गिरने का लास्ट एंड मोमेंट तक, तो ये कितनी 2900 किलोमीटर की थी, जो कि 2525 से तो ज़्यादा ही है, ठीक है, यानी कि गंगा से ज़्यादा है। ओके, आगे बात करें हम एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें, तो ये कौन सी है, त्यांग तिजे चाइना की नदी है, चीन की नदी है, चीन में बहने वाली नदी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे तीसरी वाली जो नदी है उसका, मतलब तीसरी सबसे बड़ी नदी है वो है त्यांग से, और इसका जो लंबाई है 63,300 किलोमीटर का है। चीन की सरकार ने इसे सबसे ज़्यादा आबादी वाले वुहान शहर के दो हिस्सों को आपस में जोड़ने के लिए इस नदी के आर पार जो है मेट्रो लाइन का निर्माण भी करा दिया है। इस नदी को चीन में चेन यांग के नाम से जानते हैं, किससे जानते हैं, चेन यांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बात कर लें कुछ अलग चीज़ों की, तो नील नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, यह नदी जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी में से है, जो कि 6600 किलोमीटर जो है लंबाई जो है, यानी कि लंबाई जो है तय करती है। नील नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और बड़ी नदी जो है झील यानी कि विक्टोरिया से निकल कर विस्तृत होती है, कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है। और ये तो सहारा मरुस्थल में पूर्वी भाग को पार करती है, और उत्तर मध्य सागर में, भूमध्य सागर में उतर जाती है। अगर हम बात करें आपसे, अगर मैं पूछूं कि ऐसी कौन सी नदी है सबसे ज़्यादा देशों से होकर निकलती है, तो इसका नाम है डिन्यूब। कौन से डिन्यूब, डिन्यूब जो है दस देशों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से 10 देश हैं यहाँ पर, तो देखिए जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गेरिया है,
मोल्दोवा है, यूक्रेन है और रोमानिया है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है देशों से होकर निकलती है, डिन्यूब नाम की नदी है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको बताना है को उनकी एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौगोलिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1901 से नोबेल पुरस्कार जो है हो गए, अल्फ्रेड नोबेल ने जो है आपको बता, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया था, जिन्होंने किसका डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए विलहेम रॉन्गटन को जो है यहाँ पर 1901 में भौतिकी के लिए क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इनके बारे में बता दें कि पहला जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में दिया गया भौतिकी के लिए, विलियम रॉन्गटन को दिया गया, रसायन के लिए जो कि जेको वस हेनरिक्स को बॉट को दिया गया। ठीक है, औषधि के लिए किसको दिया गया, इमिले वॉन को दिया गया। ठीक है, साहित्य के लिए किसको दिया गया, साहित्य के लिए दिया गया सूले प्रुधोम को दिया गया। ठीक है, शांति के लिए किसको दिया गया भाई, हेनरी ड्यूनॉन्ट। ठीक है, ड्यूनॉन्ट को दिया गया। अगर बात करें 2019 की, तो 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है किसको दिया, अभिजीत बनर्जी को दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेर डुफ्ले को दिया गया और माइकल क्रेमर को भी दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें शांति जो पुरस्कार है उसके लिए, तो ये अभी अहमद को दिया गया। ठीक है, और ये जो है साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए पुरस्कार को पीटर हैंडक को दिया गया। औषधि के लिए देखिए इनको दिया गया, फिर उसके रसायन शास्त्र के लिए भी इनको दिया गया, फिर इनको इनको भौतिकी के लिए दिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें भारत में जो है कितने किस किस को जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए मिल चुका है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के लिए मिल चुका है, मदर टेरेसा को शांति पीस पुरस्कार मिल चुका है, अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के लिए मिल चुका है, कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ में मिल चुका है शांति पीस पुरस्कार, हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए मिल चुका है। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिल चुका है, वेंकटे रमन को कृष्ण जो रामकृष्ण है उनको रसायन शास्त्र के लिए मिल चुका है, और बात करें बीएस नॉयपॉल को जो साहित्य के लिए मिल चुका है, अभिजीत बनर्जी को अभी भी मिला है 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अकबर के बाद जो सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को का खिताब दिया गया। सलीम को किसका खिताब किया, सलीम को बोलते थे जहांगीर, क्या बोलते थे जहांगीर, विश्व जो कि विश्व विजेता इसको कहा जाता है। ठीक है, तो भाई इनके बारे में बता दें कि पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1952 बयालीस के आसपास। ठीक है, जन्मभूमि कहाँ बात अभी अमरकोट में जो कि सिंध है और पाकिस्तान में आता है, मृत्यु कब हुई देखिए आप 1600। ठीक है, आप अगर बात करें इनके इनके मृत्यु स्थान तो ये आगरा बताया जाता है, और माता पिता की बात करें तो हुमायूं है। ठीक है, और पत्नी की बात करें मरियम उज जामानी है। ठीक है, संतान जैसे कि पता है आपको जहांगीर और जहांगीर के जो हैं जहांगीर और जहांगीर के अलावा जो है 5 पुत्र 7 बेटियां भी इनकी थी। किसकी थी भाई, यहाँ पर ये अकबर की बात कर रहे हैं, ठीक है जहांगीर की बात नहीं कर रहे। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा काल जो क्या है प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल जो है जिस किस शहर में चरमोस वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए कहाँ बना गया, ये कोलकाता बना गया। लॉर्ड कर्जन के बारे में बता दो, तो लॉर्ड कर्जन लॉर्ड एंग्लिन द्वितीय के बाद जो है 1899 लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बनकर आए थे। भारत का जो है इन वायसराय बनने का जो है इन्होंने ये 4 बार अलग, देखिए इससे पहले ही वे 4 बार भारत आ चुके थे, और देखिए इन्होंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए की थी, जैसे कि पुलिस में सुधार, पुलिस जो है व्यवस्था उसमें सुधार करा था, जो है कब किया था 1902 में इन्होंने ये किया था, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इन्होंने एक पुलिस आयोग की स्थापना करी थी। ठीक है, ओके इंपॉर्टेंट है। आगे इसकी बात करें तो देखिए बता दूं मैं इनके बारे में, तो इन्होंने जो है भू राजस्व की बात करें तो भू राजस्व भी इंपॉर्टेंट चीज की थी, भूमि कर को अधिक जो है अधिक उदार बनाने हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा जो 16 जनवरी 1902 को भूमि प्रस्ताव लाया गया, जो कि कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिंग स्टॉक मॉनक्रीक ठीक है की अध्यक्षता में जो है एक सिंचाई आयोग का इसमें गठन किया। अगर हम बात करें इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए बता दूं आपको, लॉर्ड कर्जन के टाइम जो है रेलवे लाइन जो है सबसे ज़्यादा बनी। ठीक है, और जो है इंग्लैंड के रेल विशेषज्ञ रॉन्टंग का भारत बुलाया गया, इनको बुलाया गया, और ये जो लॉर्ड कर्जन जो है इनके समय अवधि में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, किसको दिया गया, मैंने नोबेल पुरस्कार के लिए बताया, देखिए ये दिया गया सेंटिंगोंगो रेमन वाई केजल को, ठीक है। तो ये नोबेल पुरस्कार जरूर पढ़ लेगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर निकलती है, मैं पहली बता चुका हूँ, डेन्यूब नाम की नदी है जो कि कहाँ कहाँ से गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गेरिया और मल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया से निकलती है, 10 देशों से होकर निकलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1975 से लेकर 1977 के बीच जो है आपातकाल जो है के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए सबसे पहली बार तीन जो है आपातकाल लग चुकी हैं और उस समय थी इंदिरा गांधी, ठीक है। ओके, तो तीन लग चुकी है, देश में पहली जो आपातकाल लगी वो घोषणा की के 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है। दूसरी जो लगी आपातकाल घोषणा जो कि लगी 3 दिसंबर 1971 को, तीसरी लगी जो कि लगी कब लगी भाई, ये लगी थी 25 जून 1975 को, ठीक है। तो ये जो आपातकाल किसके टाइम पर लगी थी भाई, ये लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ओके यहाँ पर अगले क्वेश्चंस तो अभी कंप्लीट नहीं किए हमने, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कम से कम हमने यहाँ पर 25 फिर से क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस में लगभग 20 किए होंगे, 25 नहीं किए होंगे, गिनते नहीं भाई, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर हमने आराम से 100 जो है एमसीक्यूज के बराबर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप एमसीक्यूज करना ही चाहते हैं, एमसीक्यूज की वीडियो देखना ही चाहते हैं, तो आपको रात की 10 बजे जो है वीडियो मिल जाएगी, 10 PM पे, शार्प 10 PM पे आपको वीडियो मिल जाएगी, इसमें हम 50 क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन फ्री से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल के आइकन को जुल दवा दीजिएगा। और ये आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये आपको कल कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी आपको क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं जिन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक हम पढ़ाते हैं, देखिए मैं टॉपिक आपको कंप्लीट कराता हूँ, ऐसा नहीं कि ये इसका आंसर ही होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। बाकी और भी सारी क्वेश्चन और भी सारे जो प्रैक्टिस टेस्ट है मैं लेकर आने वाला हूँ, मैथ का प्रैक्टिस टेस्ट भी आने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।